अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करने वाले हैं वीकेंड इन रिव्यू की रिकॉर्डिंग। हसन अभी आए नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ जरासीम लेके आएंगे। आप लोगों ने कुछ कमेंट्स दिए, यू आर कंसर्न्ड कि हम लोग कितनी सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हमारा एरिया है जहाँ हम शूटिंग करते हैं। काफ़ी फासला है जहाँ मैं बैठती हूँ, जहाँ हसन बैठते हैं, और हसन के आने से पहले, शाहरुख के आने से पहले हर चीज़ जो है वो सैनिटाइज़र से हम लोग स्प्रे करके साफ़ करते हैं। कोशिश करते हैं कि 99% जर्म्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। मेरे हाथ में स्प्रे है, अब हसन के आने से पहले मैं इस सोफ़े पे भी स्प्रे कर दूंगी। पहले भी वैसे ये हो चुका है, सारी कैमरा इक्विपमेंट स्प्रे हो चुकी है, और ये आपने पहचान ली होगी जगह जहाँ हसन बैठते हैं, इसको भी हमने स्प्रे कर दिया है। जब हसन आएँगे वो अपने जूते, अपने सब पूरे आपको भी स्प्रे करेंगे। फाइंड समथिंग दैट इज़ इफ़ेक्टिव, स्टे सेफ गाइज। हम बिल्कुल जैसे कहते हैं रिस्क नहीं ले रहे, कोविड ऊपर जा रहा है, इट्स रियली डेडली, इट्स वेरी सीरियस, वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड एंड वी आर कंसर्न्ड फॉर योर हेल्थ एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं वीकेंड इन रिव्यू। आपने जैसे कि देखा, हमने एक छोटी सी सेफ्टी वीडियो आपको दिखाई। जस्ट टू टेल यू दैट हम लोग बिल्कुल ईजी नहीं ले रहे कोरोना को, आप लोग भी मत लें। स्प्रे करते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें अपने घरों को, हाथ धोते रहें, लोगों से दूर रहें। आपने देख लिया कि मेरे और हसन की काउचेज़ में बहुत फ़र्क है। हसन, सलाम अलैकुम, क्या आप सेफ़ फील करते हैं जब आप मेरे घर आते हैं? वालेकुम अस्सलाम आमना, सलाम अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। बड़ा अच्छा आमना आपने इनिशिएटिव लिया, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। जी शुक्रिया। क्योंकि एक कमेंट आया था हमें, उन्होंने कहा कि आप लोग मास्क नहीं लगाते। जी हमने जैसे पहले कहा था, काम नहीं रुक सकता, जिंदगियां नहीं रुक सकती, हमें अपने SOPs का ख्याल करते हुए, अपनी एहतियात करते हुए जितनी हम कर सकते हैं काम को तो करना ही है बिलाखिर। सो आई थिंक अच्छा आपने दिखा दिया, आपको अंदाजा हो गया होगा मैं और आमना बहुत फासले पे बैठते हैं। मैं आता हूँ, मैं मास्क लगा के आता हूँ, मैं जब बैठता हूँ मैं अपना मास्क उतारता हूँ, हम शो रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैं मास्क पहनता हूँ और मैं चला जाता हूँ, ऐसे ही होता है, बिलीव मी। लेकिन आप घर जाके ड्रामे देखते हैं हसन, आपने 3 ड्रामे देखे होंगे इस हफ्ते। जी आज मंडे को हम, बल्कि ये एक छोटा सा सरप्राइज भी है हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज पहले तो यही बात है कि हम ट्यूसडे को यूजली किया करते हैं, हमारे टाइमिंग्स हमने फिर चेंज कर दिए हैं। अब मंडे को इंशाल्लाह वीकेंड इन रिव्यू आया करेगा जिसमें हम 3 ड्रामे डिस्कस करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से ज़ेबाइश, उसके बाद दिलरुबा, और फिर उसके बाद सबात। मैं एक्चुअली कहने लगा था सबसे पहले तो अपोलोजीज, हमारा जो वीकेंड इंटरव्यू था वो 8 बजे आने के बजाय रात को 1 बजे आया, तो उसके लिए वीक इन रिव्यू, सॉरी 8 बजे आने के बजाय 1 बजे आया, बट आई केप्ट माय ऑल माय व्यूवर्स अपडेटेड थ्रू माय इंस्टाग्राम, सो दैट्स ग्रेट। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे देख लें आपको कितना फ़ायदा होता है अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे रामना को ज़रूर फॉलो करें, शाहरुख शुरू में भी चला दें आज। मेरे ख्याल है मुझे सब फॉलो कर रहे हैं, आपको तो कर ही रहे हैं, मुझे जो नहीं कर रहे देखें कर लें ताकि हम आपको टाइमली अपडेट्स दे दिया करेंगे कितने बजे वीक इन रिव्यू आना है, डिले हो गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। दूसरा हम ना लोग परेशान ही हो जाएंगे कि एक तो हम टाइम पे रिलीज नहीं करते, और दूसरे हम अपने दिन पहले कर लिया, दिन भी चेंज करें, टाइमिंग्स भी चेंज करें। तो ट्यूसडे से मंडे को शिफ्ट करने की वजह यही थी क्योंकि ज़िबाइश शुरू हुआ है जी, और हम चाह रहे थे कि हम इश्किया को वीकेंड रिव्यू में कर लें, बिकॉज वो ट्यूसडे का एक बड़ा ऑड सा दिन बन रहा था, ना इधर के थे ना उधर के थे, बिल्कुल। तो होपफुली ये आपको अरेंजमेंट पसंद आएगा। इसकी एक और वजह आमना ये भी है क्योंकि मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि हम रिवाइव करेंगे हॉट बाइट्स को, और हॉट बाइट्स का ओरिजिनल स्लॉट वेंसडे को है, तो ट्यूसडे वेंसडे बैक टू बैक अजीब हो रहा था, तो ये मंडे को आप वीकेंड इंटरव्यू देखेंगे, वेंसडे को इंशाल्लाह होपफुली 8 बजे आप हॉट बाइट्स देखेंगे, और फ्राइडे को 8 बजे इंशाल्लाह आप वीकेंड रिव्यू देखेंगे। जी हसन, शुरू करें। काफ़ी नहीं, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ आप बता दें हम किस ड्रामे से शुरू कर रहे हैं आज। मेरे ख्याल में हम शुरू कर लेते हैं दिलरुबा से जी, फिर हम सबात की बात करके एंड में नए ड्रामे की बात करें। चलें ठीक है, आपको ये अरेंजमेंट सही लग रहा है? सर आप सुनते तो है नहीं मेरी हमेशा, आप नहीं, नहीं आज जो बोल नहीं, नहीं आप ठीक है, ठीक है। तो दिलरुबा का एक बड़ा अच्छा एपिसोड था जी, और जैसे आप मुझे फोन पे बता रही थी क्विक डेवलपमेंट हुई जी, और मुझे वो पसंद आता है जब क्विक डेवलपमेंट होती है। खुशी की बात ये थी उन्होंने लिख दिया नीचे कुछ अरसे के बाद, ताकि हम ये ना अज्यूम करना पड़े कि वो ये क्या एकदम कैसे हुआ जी। इनम मेरे फेवरेट कैरेक्टर की शादी, आपके साथ अफसोस करना था मैंने जी, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि अब उनकी शादी हो गई, लेकिन मैं प्रॉपर अफसोस करूंगी जब हम उनकी शादी तक पहुंचेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल है बनती है आपके साथ थोड़ी सी कंडोलेंस। हाँ, तो उनकी शादी हो गई, वो अपना घर छोड़ के चली गई, जो हमारी सनम बीबी थी
अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्रेगनेंसी खैर आफियत के साथ पाए तकमील तक पहुंची, जो हमें एक डर था जी, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनका एक प्यारा सा बेबी बॉय आया दुनिया में, जिसका नाम उन्होंने रखा आयान, आयान जी, आयान रजी नाम जी रखा गया। दूसरी तरफ उनकी जो मम्मी है और जो हमारी प्यारी इरम है, उनको किसी ने कहा कि जी एक ऐसा रिश्ता है तो आप देखने चलें, वो फौरन ही मान गए, वो फौरन ही उधर चले भी गए घर में। मुझे ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगा। नहीं, मुझे अनबिलीवेबल तो नहीं लगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये लोग एकदम गए और लड़का देखते, उन्होंने कहा मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। भी ऐसी शक्ल देख के आपको कैसे लड़का बहुत पसंद आ जाता है, पहली बात तो ये है। नहीं, पहली बात तो ये कि अरसलान जो भाई उसका वापस आया है, उसके घर जा वापस जाने में 2 दिन रह गए हैं, तो वो कहता है मैं 2 दिन बाद वापस जा रहा हूँ। तो अब सनम की शादी की बात करें, जैसे ही बेबी होगा, ऐसे था ना जी जी, तो मैं जा रहा हूं, जैसे बेबी होगा हम इसकी शादी कर देंगे। अच्छा, ये डायलॉग नहीं मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम सारी उम्र इसको घर तो नहीं बिठा सकते। आई डोंट लाइक दिस डायलॉग हसन, बिकॉज ये उनको अगर वो ये कहते ना कि यार ये इतनी जवान है, अभी इतनी छोटी है कि सारी उम्र अकेली तो नहीं गुजार सकती, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर डायलॉग। आपको लगता है कि उसका कहने का मतलब यही था, बट इट वॉज नॉट रिटन दैट, या मे बी आई थिंक सो, बिकॉज आई थिंक, क्योंकि मुझे लगा उसके कहने का मकसद यही है था कि वो इतनी जवान है, इतनी छोटी है कि वो सारी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजार सकती। आपका फेयर पॉइंट है, बट मुझे लगा वो उस कहना यही चाह रहा है। मैं यही कह रही हूँ कि कहना वो ये चाह रहा था, लिखा हुआ अच्छा नहीं था, ठीक है। सो आई डिडंट लाइक दैट डायलॉग दैट वाज रिटन, ओके, फेयर। ये सारी उम्र घर तो नहीं बिठा सकते, नहीं भाई, अपना घर है बच्चियों का, आई मीन ऐसे ना बिहेव करें जैसे कि लड़कियों के घर जो है माँ बाप के, उनका अपना घर नहीं है। सो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बहरहाल इरम की शादी हो जाती है, बेबी भी हो जाता है, ऑल ऑफ दैट सरपासेस। आपको खुर्रम का कैरेक्टर कैसा लगा? अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा। Too good to be true, too good to be true, लेकिन जो जिस हिसाब से उनकी एंट्री हुई है और जिब्रान ने जो एक्टिंग की है जी, वो इट्स वेरी बिलीवेबल यार के है। और यू नो रांझा करदी में भी जिब्रान इज अ सॉफ्ट स्पोकन गाय, बात करते हैं तमीज़दार, पोलाइट तरीके से करते हैं, तो वो आपको वो फीलिंग आती है यार कि दिस गाय सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, यार इसके पीछे कुछ ना कुछ है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ। मुझे ऑपोजिट है उनकी फीलिंग। अच्छा, हाँ, मुझे आई थिंक दैट जिब्रान जो है ना, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज़ दैट आप शक्ल देख के बता नहीं सकते कि यार ये वाइट है या ब्लैक है, हमेशा एक ग्रे एरिया है उस कैरेक्टर के अंदर। अभी भी जिस तरह वो आता है और फिर वो कहता है कि यू नो मेरी बीवी अमेरिका से नहीं आना चाहती थी, तो हमारी मेरी डिवोर्स हो गई है और मेरी 2 बहनें भी बाहर हैं और मैं यहाँ पर ये घर में मेरा बिजनेस है, मैं अकेला रहता हूँ। यू आर वंडरिंग कि यार ये क्या सीन है पीछे से। तो मैं यही तो कह रहा हूं, नहीं आप तो ये कह रहे हैं ना कि वो इतना सॉफ्ट स्पोकन है कि वो अच्छा लगता है, आप कहते हैं टू अच्छा लगता है, बट देन यू मैं ये कह रही हूं कि नहीं, उनको देख के लगता है जैसे ही ग्रे एरिया है। अच्छा, देख के आपको अंदाजा होगा, देख के ग्रे एरिया लगता है कि नहीं यार दाल में कुछ काला है। नो, बट हिज वे ऑफ टॉकिंग, द वे ही स्पीक्स, जिस तरह से बात करता है फोन पे भी, बहुत शुक्रिया आपका, जब वो आए कितने पोलाइटली उसने सबको बोला आप आए, थैंक यू, आई एम सॉरी घर में कोई औरत नहीं इसलिए मुझे खुद ही ये बात करना पड़ी है, ये वो, आप लोग आए हैं शुक्रिया, मुझे अब जाना है, लेकिन आप प्लीज कुछ। मेरे कुछ घंटी बजी दिमाग में कुछ, ये ना। अच्छा, हाँ, ऊपर से जो इंसान ये कहना कि जी मुझे सादा घरेलू और शरीफ लड़की चाहिए, मॉडर्न नहीं चाहिए, मॉडर्न ना हो, उससे मुझे बड़ा एक और इतराज है कि इफ ही मेंट कि घरेलू लड़की चाहिए तो भाई वाय क्यों, मगर शायद रिएक्शन हुआ उसकी बीवी का। सनम खुद ही कहती है ना कि मैं तो इनमें से नहीं, ना मैं शरीफ हूँ, ना मैं मॉडर्न हूँ, ना मैं मॉडर्न हूँ, ना मैं घरेलू, और ना मैं, आपको पता ही है, एग्जैक्टली आपको पता ही है, जबकि मेरा ख्याल है ये भी ज्यादती है, क्योंकि ऐसा तो उस बिचारी ने कुछ ठीक है लड़कों को पीछे लगाया हुआ था अपनी जवानी में, ना समझी में, सब्जेक्टिव एक कांसेप्ट है शराफत क्या है, बट चलें ठीक है, दैट कुड बी लाइव, ठीक है। दूसरी चीज है, बस मुझे थोड़ा सा खुर्रम के कैरेक्टर में है कि नहीं यार दाल में कुछ काल्स है, काल्स, आई फील दैट काल्स है, नहीं है डेफिनेटली। और ऑन दी अदर साइड हम जुनैद को देखते हैं कि इसके अब्बा ने कहा है कि तुम्हारे सरिश के साथ तुम्हारे यार ने, हमने मंगनी कर दी है, तुम ना नहीं कर सकते। मुझे अब जुनैद का प्लॉट थोड़ा इररिलेवेंट लग रहा है, जुनैद इवन अराउंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अयाज आई थिंक जैसे वो डिलीट हो गए, तो आइडियली तो अयाज का पार्ट भी अब खत्म हो जाना चाहिए, जुनैद का भी खत्म हो जाना चाहिए, और अब सभी का पार्ट जो एक रह गया है जिसमें अब उसको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि शायद मैं सनम से शादी कर ही लेता या कर, मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता सकते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है कि क्या सनम को पता है कि सभी हैड हर्ड हर? देखिए, हुआ ये था कि इरम को पता था कि सभी वहां पे खड़ा हुआ है, तो इरम ने कहा कि शायद उसने सुन लिया सब कुछ, तो लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी कि सुना या नहीं सुना। बट अब इस एपिसोड में मैंने रियलाइज किया, मुझे नहीं पता था कि सनम वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग सभी टू सेंड अ रिश्ता, सनम वांटेड टू मैरी सभी, वो कहती है ना कि सभी ने रिश्ता नहीं भेजा,
अगर वो सभी का रिश्ता आ जाता, अब एंड में भी वो कहती है, जब कौन उसको कहता है, इरम कहती है कि सभी ने कौन सा तुमसे शादी करनी है अगले एपिसोड के प्रो में, तो वो सनम कहती है ना नहीं वो सामिया फूफो बात कर रही है सभी से। नहीं अब तो वो उस पर गिर गई है ना, उसको शी इज फॉलन फ्रॉम ग्रेस, वो जो सनम होती थी वो नहीं रही। हाँ हाँ मैं अब की बात कर रहा हूँ, अब की बात कर रहा हूँ कि रजी के मरने के बाद सनम वाज एक्सपेक्टिंग कि सभी रिश्ता भेजेगा, मगर आई थिंक दैट सनम इज आल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक्ड एंड इन लाइक इन ऑ ऑफ खुर्रम एज वेल, क्योंकि एकदम जब वो आके अपने नहीं वो जब आके अपने मुंह ठीक करती है और कंगी शंगी करना शुरू करती है तो इट्स लाइक शी इज रेडी टू मूव ऑन नाउ। और जब उसे मिलती है तो बताती है कि आई वॉन्ट टू बी क्लियर थैंक गॉड कि मेरा एक बच्चा है, एंड वो कहता है कि ठीक है मुझे बताया नहीं था पहले, तो ये अच्छा है कि उसको बता दिया। बट रेडी टू मूव ऑन नॉट नेसेसरली विद खुर्रम बट विद सभी आल्सो। आई थिंक दैट देखें इंसान की नेचर नहीं बदलती, अ लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, जो ये है ना ये अपने ट्रॉमा से निकलेगी, सो शी विल स्टार्ट स्लिपिंग बैक इन टू द ओल्ड सनम बेवफा, मेरा अपना ये ख्याल है। इतना बंदा अगर हर ट्रामे से इंसान इन द ह्यूमन हिस्ट्री अगर इंसान बदलना शुरू हो जाए तो दुनिया ना बदल गई होती, अब तक इंसान नहीं बदलता, ये वापस जाएगी और ये खुर्रम से शादी करेगी। यार इतना पैसा उसको नज़र आ रहा है, अच्छा है भी अच्छा। मुझे ये लगा कि हमने शुरू में कहा था कि हानिया टाइप कास्ट होती आ रही है, हम भी समटाइम्स वी टू क्विक टू पास जजमेंट, बट नाउ व्हेन यू लुक एट हानियाज कैरेक्टर यू थिंक यार कि नहीं बहुत रूम था परफॉर्मेंस का, जितना कैरेक्टर जिस तरह से इवॉल्व किया है, एंड कुडोज टू हर, शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। सो मुझे अब ऐसा लगता है कि क्योंकि वो कैरेक्टर शुरू में ऐसा था और अब वो ऐसा हो गया है तो कैरेक्टर ऑल्सो हैज चेंज कम्प्लीटली, दैट्स माई थॉट प्रोसेस। आपको लग रहा है कि नहीं a leopard never changes, मुझे लग रहा है कि it's color or skin one spots, spots. मुझे लग रहा है कि रजी की माँ जो है वो उनको कहेंगी कि तुम बेटा शादी कर लो लेकिन बच्चा मुझे दे दो, ठीक मुझे बच्चा पालने दो, वो दे भी देगी। I have a feeling anyway, ठीक है anyway, looking forward to the next episode, this was a really good one, good episode. Moving to Sabat, जी Sabat, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पिछले एपिसोड तक जो कह रही थी कि ये मिराल का कैरेक्टर जो है ये बड़ा बैडएस है और बड़ा जबरदस्त है और बड़ा अच्छा लगता अभी आपको कुछ नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। आई थिंक अब वो उस लेवल पे चला गया जब हमें कंडोन करने के बजाय अब उससे कंडेम करने की जरूरत है। अच्छा, मैं कंडोन तो वैसे खैर पहले भी करने की जरूरत थी, हम कुछ खुश थे उसके कैरेक्टर के, आप ज्यादा थी, कंडोन नहीं कर सकते थे क्योंकि लोगों ने कहा कि वो बहुत ही बदतमीजी करती है अपने माँ बाप से भी सबसे, बट इस एपिसोड में जो उसने हरकत की है वो फ्रेंकली थोड़ी सी वियर्ड भी है कि अपने भाई की स्टेज के ऊपर तुम जाके और बेड के ऊपर चढ़ के चढ़ गई और फूल, वाज वियर्ड ऑफ कोर्स, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय सारा एंड वेल एग्जीक्यूटेड वेल डायरेक्टेड, बट एज एन ऑडियंस यू फील लाइक ओके यार दिस इज जी, मुझे मिराल के कैरेक्टर में दो इश्यूज हैं, पहला बहुत सीरियस इशू है और दूसरा बहुत ट्रिवियल इशू है। ठीक है, जो सीरियस इशू है मैं उसमें बाद पे आऊंगी, बिकॉज आई हैव टू गेट द ट्रिवियल आउट ऑफ माय सिस्टम। ये फैशन से ताल्लुक तो नहीं है। मैन व्हाट वर दोस फिशनेट सॉक्स, स्टॉकिंग्स थे ना फिशनेट, सर स्नीकर के नीचे सफेद रंग की फिशनेट स्टॉकिंग्स कौन पहनता है यार। इसी पे मिराल के दिमागी तवाजुन को आप गेज कर सकते हैं कि कोई नहीं पहनता। मोर सीरियस इशू इज दैट मिराल इज नॉट जस्ट अ स्पॉइल्ड ब्रैट, शी इज अ सीरियसली डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल। आपका बॉय चार एपिसोड से कह रहा है, हम भी यही कह रहे हैं भाई, हम सब यही कह रहे हैं, आप ज्यादा क्रेडिट ना लें, हम सब यही कह रहे हैं कि इसको इश्यूज हैं, लेकिन वो इश्यूज बहुत अब नुमाया हो गए हैं। जब वो कह रही होती है कि बलीमा यहाँ हुआ तो मैं कमरे को नहीं घर को आग लगा दूंगी, तो बाप कहता है पागलों वाली बातें मत करो। फिर जब वो गाड़ी में अपनी दोस्त के साथ होती है और वो कहती है कि मैं अली को ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो वो उसको कहती है कि तुम मिराल अपने हवास में रहो। सो फिर तीसरी दफा दोबारा बाप कहता है कि तुम पागलों वाली बातें कर रही हो। They're all saying these things, but it is such a serious issue that we say pagalon wali baatein kar rahi ho so casually, nobody's giving her attention that she needs. Nobody takes notice. Nobody takes notice. She needs a doctor. Jo wo scene tha na where Hasan is talking to the mother. Ji. And Hasan says ke main sabko kaise mana karunga, to wo kehti hai tumhe to pata hai ke Miral warna hame kitne ab itna tang karegi. To wo kehta hai bajaye sabko mana karne ke aap Miral ko mana kare. Nahi mana karte exactly. To mujhe ek point pe ye bhi laga ke aur wo aage se kehti Miral manegi. To mujhe ye laga ke ye kis tarah ke maa baap hain, kis tarah ki upbringing ki hai.
आर द पेरेंट्स टू बी ब्लेम्ड हियर? ऑफ कोर्स. या मिराल जो है उसको जेन्युइनली कोई हमेशा से ऑल थ्रू ग्रोइंग अप उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, अगर उसको साइकोलॉजिकल एड्रेस नहीं किए गए थे जिनको नहीं एड्रेस किया करो, तो ये भी तो पेरेंट्स की फॉल्ट है. तो भी पेरेंट्स की फॉल्ट है कि अगर वो बच्ची जो है वो इतनी अनहिंज्ड है कि शी उसको सही गलत का तो चलो बहुत लोगों को नहीं पता होता, ये तो नेक्स्ट लेवल, ये क्रिमिनल उस पर चली गई है. अब पहले तो चलो वो कर रही थी, जब उसने पहले कहा कि मैं इसको हिटमैन लेके अनाया को मरवा दूं, वहां से उसका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, सोशियोपैथ है ना बेसिकली. और आपको लगा कि शायद चलो सीरियसनेस में है, ये कह रही है मतलब वो इस तरह की है, बट शी इज अ सीरियस सोशियोपैथ, दिस इज व्हाट इट इज. एंड अब तो उसने पूरा पूरा कर दिया. आई मीन कमरे को आग लगाना है कोई छोटी बात नहीं है. नहीं नहीं, और वो भी मतलब भाई की सुहागरात वाले टाइम पे. नहीं वो छोड़ दें, आप सुहागरात वाली बात छोड़ दें यार, आग लगाना इज नॉट अ छोटी थिंग. पूरा घर जल सकता था, लोग मर सकते थे. और वो फिर खड़ी भी थी आग लगा के, ये नहीं कि आग लगा के वो भाग गई. वो और फिर वो मेड ने आके उसको कहा बाजी आ जाए बाहर, आपको भी लग सकते. वो तो खड़ी भी वहां पे एंजॉय कर रही थी, एंजॉय कर रही थी वही ना. तो वो सीरियसली अनहिंज्ड है. और फिर गाड़ी में बैठ के अपनी वही नानी को सोच कर मरियम कहना, कि मरियम ही कहती, अच्छा हाफ मिनट आई थॉट कि वो मरियम साथ वाली सीट पे बैठी होगी, यू नो, बिकॉज शी इज हेलुसिनेटिंग ऑल ऑफ दैट, शी नीड्स अटेंशन. जो कि वी नो दैट नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर हारिस, मैं आप लोगों को बता दूं ये आखिरी सीन होगा अगले एपिसोड का. हेलो मिराल विल बी द लास्ट सीन. एनीवे, हेलो मिराल, व्हेन दे ओपन द डोर, द बेडरूम डोर, एंड द बेड इज ऑन फायर, एंड दे क्लोज इट, एंड द मदर डिसअपीयर्स, एंड हसन डिसअपीयर्स, आई थिंक मावरा'स एक्सप्रेशंस इन दैट सीन वर फैंटास्टिक. द वे दैट शी स्टेप्स बैक इन शॉक के ये हुआ क्या है, एंड आई डोंट नो व्हाट मस्ट बी गोइंग थ्रू अ यंग ब्राइड्स माइंड जब वो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पाएं. तो फिर वो बैठ जाती है, फिर जब वो आता है, वो पूरा घूंघट वाला सीन बहुत क्यूट था. वो जो सीन था ना, व्हेन दे ओपन द डोर और आग लगी हुई है, लड़का भी भाग जाता है, आंटी भी गायब हो जाती है, एंड मावरा स्टैंडिंग देयर एंड शी इज सो डिस्टर्ब. आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, बट आई थिंक दैट्स व्हेन अनाया रियलाइजेस दैट डूड आई एम ऑन माई ओन. मतलब इन द सेंस कि यार कि ये घर में इस, अनाया इज नॉट स्टूपिड, एक स्मार्ट लड़की है. उसको जब ये अंदाजा हो गया कि आग इस तरह लग रही है, तो उसको पता है कि दिस इज द काइंड ऑफ वेलकम दैट आई वाज प्रोबब्ली शी वाज एक्सपेक्टिंग. और वो कहता है कि शॉर्ट सर्किटिंग है, वो मान, मेरा नहीं ख्याल वो मान. आई विश कि ना उसने कहा होता, बिकॉज़ आप अपनी सुहागरात के दिन, शादी के पहले दिन ही झूठ बोल रहे हैं. आप अपनी सुहागरात को ये भी नहीं कह सकते मेरी बहन ने आग लगा दी कमरे में, आपकी बहन ने आपको चपेट मारी हुई है, तो आपको पता ही है ना वो कितनी सोशियोपैथ है. तो आप ही कह सकते हैं कि यार मिराल को, बट वो इतना क्यूट मोमेंट था वहां पे. आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अ गाइस पर्सपेक्टिव के यार के वो चाहे बिलीवेबल हो या ना हो, शायद लड़कियां भी सुनना चाहें कि हाँ वो लड़की मेरी, हाँ आप ये वो भी नहीं सुनना चाहेगी कि मेरी बहन तुमसे नफरत करती है. तो वो क्यूट मोमेंट जो रिंग एक्सचेंज होनी थी, जो उन्होंने उठाना था उसका घूंघट, वो सब फिर मिट्टी में चला जाता ना. तो बट वो दैट मोमेंट वाज रियली क्यूट, वेरी क्यूट. गोइंग बैक, तो वो आई थिंक अनाया रियलाइजेस कि ये उसको जो वेलकम, वार्म वेलकम, पन इंटेंडेड, जो मिला है, हॉट वेलकम जो उसको मिला है, तो इसमें देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड शी नीड्स टू बेयर इट. एंड उसको ये खुद ही जो है ये सारी चीजें रिजॉल्व करनी चाहिए. इट्स एन अपहिल टास्क आगे उसके. और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी इज सिटिंग, शी सेज दैट टू द मदर कि आप मुझे बताएं, मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ, और मुझे पता है कि मिराल जो है वो और अंकल मेरे से नाराज हैं, और मिराल आई भी नहीं है शादी पे. शी इज नॉट स्टूपिड, शी कैन सी यार मेरे मियां की बहन आई ही नहीं है शादी पे नहीं आई. तो आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम, आप फिक्र ना करें, मैं इस कुछ दिनों की बात है, ये हो जाएगा. ये गुड सीन था. सो शी नोज के यार के क्या हो रहा है. इतनी वो स्टूपिड बोली वाली नहीं है कि शॉर्ट सर्किट हो गया और वो मान जाए कि शॉर्ट सर्किट हो गया. मेरे हिसाब से आई कुड बी थोड़ा फैशन पे कमेंट कर लो. जी जी प्लीज. आई लव व्हाट अनाया इज वेयरिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आई थॉट शी वाज टू ओवरड्रेस फॉर ब्रेकफास्ट, नॉट एट ऑल फॉर अ दुल्हन, बट फॉर ब्रेकफास्ट. अ यार पहले व्हेन योर मियां इज सिटिंग इन टी-शर्ट एंड लाइक पजामा, मियां तैयार हो जाता ना बाद में जाके. कमरे से बहुत प्यारी लग रही थी. शादी वाले दिन मुझे ऑफकोर्स टीके पे इतराज था कि फिर वो टेढ़ी मांग पे सीधी मांग वाला टीका, वो आई कांट गेट ओवर दैट. बट शी लुक्ड वेरी प्रिटी, शी लुक्ड वेरी प्रिटी, शी लुक्ड वेरी प्रिटी, सो शी इज प्रिटी, सो शी लुक्स, वो एम्प्लीफाई हो जाता है. हां, आई आल्सो लाइक द रियलिटी दैट दे शोड के जो ससुराल है वो वैन पे आता है, हायर्ड वैन, बिकॉज़ यू नो दे आर नॉट एफ्लुएंट एंड वो वैन लेके आते हैं. एंड आई आल्सो लव द फैक्ट कि वो मकलावे पे घर वापस जा रही है, तो वो हसन वो कहते हैं फिर हम भी इसी के अंदर चलते हैं. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, और जिस पे डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है, जब वो बारात दिखाते हैं ना, उन्होंने मल्टीपल गाड़ियां दिखाई हैं, क्योंकि हमारा हमेशा प्रॉब्लम होता है कि बारात जा रही होती है तो दो गाड़ियां बस जा रही होती हैं.
एटलीस्ट उन्होंने इस एंगल से शूट किया कि आपको ये नहीं लगता कि खाली एक या दो गाड़ियां, जब बारात जा रही होती है तब भी और जब बारात अराइव कर रही होती है तब भी, इट्स लाइक यू नो एटलीस्ट 4-5 गाड़ियां वहां पे लाइन में खड़ी हुई है। ट्रिवियल चीज है बट इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट्स व्हाई एग्जीक्यूशन मैटर्स व्हेन दे आर गोइंग। क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं पहले भी कि शादियों में यार चले गए कोई बंदा ही नहीं है वहां पे, ना हॉल में बंदा है ना साथ कोई बंदा है, बट एटलीस्ट इसमें भी एक्स्ट्रा काफी उन्होंने यू नो इंगेज किए हुए थे जो बारात में साथ गए हैं, घर पे अगेन फिर दिखाया है। सो आई थिंक दीज लिटिल थिंग्स matter and add a lot of value of course, to the end course, product which course. is very important. So shout out to Shahzad Kashmiri as well. जी जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा किया। Even drawing room में जैसे सब लोग बैठे होते हैं, ये I wish extra जरा बेहतर होता है, लेकिन चलो you can't ask for too much. But anyway, again a very good episode. Full marks to Sara Khan for her very good performance. Absolutely. सबकी performance बहुत अच्छी थी। सबकी performance बहुत अच्छी थी। मैं आपको जो पहले कह रहा था, अब आप ये देख लें, आपके बॉय ने प्रिडिक्ट कर दिया था, ये जो मावरा और अमीर वाला जो कपल बनता जा रहा है ना, फिर मतलब आपको नजर आ रहा है इनमें। हाँ, हाँ। ये मुझे लगता है कि ये आगे चल के और लोगों के जो है दिलों को छूने की, अगर वो मरना गया था। हाँ, ये आपने जो प्रिडिक्शन किया ना, काफी लोगों और ने आप ये देखें कि जब उन्होंने प्रोमो दिखाया है तो वो सीन उन्होंने डाला है कि तुम्हारी बारात पे क्या मैं जनाजे पे भी नहीं आऊंगी, दे रीइंफोर्स दैट सीन। हो सकता है आपके रिव्यू के बाद उन्होंने कहा होगा यार ये अच्छी थी, ये उड़ाई दो इसको, लोगों को लगा के रखो। I wouldn't want to be responsible for Hassan's death at all. नहीं, but a lot of people commented on your review last time and they said कि या वामना we noticed that, some said कि हाँ हमने तो ये सोचा भी नहीं था, but good point. मुझे feels आ रही हैं इसलिए कि Hassan is also too good to be true. I mean वो भी उसी घर में पला बड़ा है ना, तो इतनी जल्दी, मैंने कहा ना leopard doesn't change spots, इतनी जल्दी बंदा बदलता नहीं है, बदलता है तो शायद मारी जाए फिर तो, आई डोंट नो। बट आपने ये पॉइंट सही किया था कि दिस वॉज गोइंग टू बी अ बैटल बिटवीन अनाया एंड मिराल, वो तो मिराल ने कह दिया ना कि मैं इसकी इनकी ज़िंदगी अजाब कर दूंगी, तो वो अजाब तो वो करेगी। ठीक है, जल्दी से मिराल जिस तरह की है, मेरा नहीं ख्याल वो विलिंगली किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगी थेरेपी के लिए, इज़ व्हाट आई मुझे हेलो मिराल से लगा नहीं, जैसे कि वो जानते नहीं एक दूसरे को पहले। अच्छा, पॉसिबल शायद कॉलेज में साथ पढ़ते हो, कुछ तो है, बट उस सेंस में वो आपके साइकोलॉजिस्ट तो नहीं बन सकते। एनीवे, देखने वाली चीज है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। कमिंग टू द न्यू ड्रामा ऑफ द वीक, ज़ेबाइश। पहले तो आमना मुझे पूरे जो 35-36-40 मिनट थे ये फिगर आउट करने में लगे इनके आपस में रिश्तेदारियां क्या है। हाँ जी बिल्कुल, तो वो एंड में फिगर आउट हो गया। एक तरफ एक घर है जिसमें, सॉरी मुझे कैरेक्टर्स के नाम नहीं याद, तो मैं एक्टर्स के लूंगा जी, मैं शबाना जो है वो इज द मेन कैरेक्टर भूषण सारी का, और शबीर जान साहब का नाम क्या है, जेदी जावेद, जेदी जी। तो जेदी अंकल और शहाना बाजी इनकी शादी हुई है, वो अंकल क्यों है और वो बाजी क्यों है। अच्छा चले, जेदी भाई और शहाना, कम ऑन, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। जेदी और शहाना जो है दे मैरिड जी, शहाना इज अ बिग स्टार जी, सुपरस्टार बल्कि सुपरस्टार हैं जी, और जेदी जो है वो कहते हैं कि उनको टाइम नहीं दिया उनकी बीवी ने, तो ओवर द इयर्स वो थोड़े से डिसफ्रेंचाइज्ड हो गए। नहीं जी, वो बेसिकली एक टॉक्सिक मेल है जिन्होंने, अच्छा। जी वो एक टॉक्सिक मेल है जो कि बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन आपने फौरन ही साइड ले ली है। जो इंसान ये कहे कि अवार्ड लेते हुए कि ये आज तक मुझे गोल रोटी तो गरम फुलका तो खिला नहीं सकी, अवार्ड क्या लेगी, चपेट ना पड़े ऐसे मर्द को। सही, बिल्कुल सही बात, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, आई एग्री, ऑफ कोर्स यू एग्री विद मी। किसी ने कहा मुझसे ज्यादा फेमिनिस्ट है, मुझे आग सी लग गई ये सुन के तो बहरहाल। अच्छा खैर, हाँ तो ये है जेदी और शहाना, उनका एक अदद बेटा है जो है असद सिद्दीकी, क्या नाम है उनका, मेरे ख्याल है नदीम, लेकिन आई एम नॉट श्योर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल नदीम, उनका नाम अभी इतना आया नहीं है। अच्छा, तो असद सिद्दीकी इज देयर ओनली सन, जी जी देयर ओनली सन, एंड दे हैव अ नेबर हु इज बाबर अली जी, एंड नाउ दैट नेबर्स कैरेक्टर, इवन दो आई लव बाबर अली, बट मुझे उनका कैरेक्टर समझ नहीं आया कि एक तो ही इज ऑलवेज हियर इन देयर हाउस नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, फिर उनका उन्होंने जो एक एंगल दिखाया कि ऑफिस में उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो जाता है जो कि झूठा है। अच्छा, मुझे उससे प्रॉब्लम थी एक, कि यार कि जिस लाइट में आपने दिखाया गया, आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ यू आर अंडरमाइनिंग अ लॉट ऑफ दीज सीरियस केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस हैरेसमेंट के होते हैं, बिकॉज टीवी के ऊपर ये दिखाना इस तरह से कि एक लड़की जो है वो एफए के साथ बॉस के साथ मिलके एक और बंदे को वो कर रही है, आई थिंक बड़ी मायूब बात है, स्पेशली जब पहले ही लोग नहीं सीरियसली लेते सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये डालना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज़ ये होता है, बट जब आप इस तरह दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ यही होता है, लोग भी कहेंगे कि इसी तरह होता है, तो वो मुझे वो बात। लेकिन जो वो कैरेक्टर है बाबर अली का, उसका नाम क्या है, परवेज, परवेज जो है उसमें कोई ना कोई शेडी एलिमेंट तो है,
वो कि वो मे बी वो सेक्शुअल हरासमेंट उसने नहीं की वर्क प्लेस में, लेकिन उसमें कोई शेडी एलिमेंट तो है. दूसरा है कि हमें हिंट मिलता है दैट ही इज काइंड ऑफ इन लव विद शहाना एज वेल, तो वो भी एक एलिमेंट है. हाँ, मेरे ख्याल में यही वो है सारा कुछ. एनीवे ये हो गया इनका हाउस होल्ड. अभी मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगी कि बुशरा अंसारी और शबीर जान और बाबर अली और असद सदीकी अपने कैरेक्टर्स में कैसे बैठ रहे हैं. इट्स टू सून टू से दैट. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट इज शी प्लेइंग अ सुपरस्टार ऑफ यस्टरडेयर. वॉट एरा इज दिस? बिकॉज उनके डिमीनर से नहीं लग रहा जैसे 2020 की वो सुपर स्टार हैं, बिकॉज ज़रा सा उनका गेटअप जो है वो आउटडेटेड है. और मैं कम्प्लीटली एस्थेटिक उस एंगल से बात कर रही हूँ. मगर वो फिर 45 लाख भी चार्ज कर रही हैं 3 दिन की शूट का, तो हैज़ बीन तो वो नहीं है. मेरे ख्याल में हर स्टार एंड स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो स्टार स्टेटस, she is playing what Bushra Ansari is today. She is of course a legendary actress. Haan. She is very popular. She is working. She is doing a lot of dramas. So in terms of the star status, she is the same as she as Bushra Ansari is today. You know, she is a big star. She is a big superstar. So मेरे हिसाब से वो है. ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने की कोई पिछले ज़माने की. मगर मुझे उनसे पुराने ज़माने की vibe आ रही है. मुझे उनके कैरेक्टर से पुराने नहीं, जैसे हस्बैंड सेज ना कि अभी अब ये अभी भी शी इज वर्किंग, अभी भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैं तो आ जाऊंगा बट तुम नहीं आ पाओगी. सो इट्स नॉट लाइक दैट शी इज अनएम्प्लॉयड नाउ, शी इज स्टिल वर्किंग, शी इज वेरी एक्टिवली वर्किंग. या या एनीवे, जो दूसरा जो दूसरी दूसरा घराना है आस्ताना है जो जी. अच्छा, वहां के मुझे डायनामिक समझ नहीं आते, एंड में मुझे समझ आ गई. वहां पे वो जो कवि खान साहब का जो कैरेक्टर है वो पीर साहब है, ठीक है. हां जी, उनके जो बड़े भाई जो पुराने पीर थे जो फौत हो गए, हाँ ये गद्दी नशीन है, उनके जो बड़े भाई थे जो अब फौत हो गए हैं बड़े पीर, उनके दो बेटे हैं जी, जो के हमने देखे हैं दो कैरेक्टर्स दाढ़ी वाले, एक वाइट में होते हैं सिंबलाइजिंग पाइटी, एक काले कपड़ों में है सिंबलाइजिंग ईविलनेस. तो वो दो भाई हैं आपस में, ठीक है जी. अब जो पीर साहब हैं जो छोटे वाले जो जिनको गद्दी नशीन बना दिया गया है वो उनके दामाद भी हैं. सिंबलाइजिंग क्या मीनिंग फैक्चुअली कि जो पीर साहब की बेटी हैं उनकी और छोटे वाले जो गद्दी नशीन भाई हैं उनकी शादी हुई है आपस में, ठीक है. समझ आया? किसी ने कहा कि आप ये एक्सप्लेन करना कि रिश्ते क्या है? मुझे अभी तक नहीं समझ आया. मुझे सर ये समझ आ रहा है ये दोनों भाई हैं कि ब्लैक वो उनके चाचू हैं पीर साहब. हाँ जी, पीर साहब उनके चाचू हैं. नहीं तो वो तो इनको वासिफ चाचू कहती है. किसको? ये ब्लैक कपड़ों वालों को. हाँ तो चाचू ही है ना उसके, तो चाचू ही है ना. और उनको दादा कहती है. हाँ. दादा एज इन उसके सगे दादा नहीं, उसके दादा के छोटे अच्छा, भाई. अच्छा अच्छा. पहली बात ये कि जो अस्ताना वाला पूरा एलिमेंट है, अस्ताना क्या होता है? श्राइन का ओपनिंग, मतलब एक पार्ट ऑफ द श्राइन जहाँ लोग रहते हैं. आई थिंक वी आर ओवर ग्लोरिफाइंग द एंटायर पीर मुरीदी वाला कल्चर, एंड आई होप कि इसमें दिखाते हैं कि वो कितना टॉक्सिक है वो पूरा कल्चर, एंड नॉट ओवर ग्लोरिफाइड. बिकॉज आई थिंक हमारे सोसाइटी में ये भी दिखाना चाहिए कि ये ख़त्म होना चाहिए अब. यू नो, जिस तरीके से ऑलमोस्ट शिर्क है ये जो हो रहा है, तो ऑफ़ कोर्स होता है. ऑफ़ कोर्स ड्रामों में भी हर चीज़ डिपिक्ट होती है जो सोसाइटी में नज़र आ रही है, बट दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन शिर्क. एंड आई विश के एंड आई होप के दे शो इट दैट वे. बट आपको लग नहीं रहा कि जिस तरह वो दिखा रहे हैं ज़ारा का जो कैरेक्टर है कि वो पढ़ाई भी कर रही है एंड पीर साहब इज़ ऑल्सो फाइन विद इट एंड द फादर इज़ ऑल्सो फाइन विद इट, बट देयर इज़ जस्ट वन कैरेक्टर दैट्स नॉट फाइन विद इट एंड दे हैव शोन दैट कैरेक्टर इन अ नेगेटिव लाइट. वो उन्होंने कोई ऐसे तो नहीं दिखाया कि हाँ ये जो बंदा कह रहा है ये सही कह रहा है, उसको उन्होंने इन ऑल फॉर इट ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस नेगेटिव लाइट में ही दिखाया. और अदरवाइज वो दिखा रहे हैं कि जैसे वो दिखाया उन्होंने कि जो हूएवर इज प्लेइंग ज़ारास फादर, सॉरी यार कैरेक्टर्स के नाम नहीं आते, उन्होंने शादी भी की एक ऐसी गद्दी छोड़ दी, गद्दी छोड़ दी और उन्होंने शादी एक ऐसी खातून के साथ की जो कि शायद डांसर थी या वो तवायफ कहता है उन्हें, पता नहीं वो असल में थी या नहीं ये मुझे नहीं पता. थी. मुझे ये सारा कुछ बहुत स्टीरियोटाइपिकल लग रहा है पूरा सेटअप. एंड आई हैव टू से इवन ज़ारास कैरेक्टर, इवन अस्मा बास कैरेक्टर, मुझे ये बहुत स्टीरियोटाइपिकल लग रहे हैं. इवन इन द वे दैट यू नो द कैरेक्टर बिफोर इट इवन, देयर इज नो लाइक इट्स टू एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. या इट्स टू सून. यू एक्सपेक्ट ज़ारा टू एक्ट दिस वे, यू एक्सपेक्ट अस्मा बास टू एक्ट दिस वे, यू एक्सपेक्ट कवि साहब टू बी द होलियर देन थाउ बियर्डेड सेंट. एक जो काले कपड़ों में उसमें चाचू हैं वो आप एक्सपेक्ट करते हैं इवल हैं, जो वाइट कपड़ों में हैं ग्रीन चादर के साथ एक्सपेक्ट करते हैं नोबल और हंबल, उनके हाथ चूमे जा रहे हैं, उनके हाथ चूमे जा रहे हैं. फिर एक अदनान शाह टीपू यू कैन एक्सपेक्ट कि वो एक जो है ना एक स्लीजी कैरेक्टर है जो कि भागा फिर रहा है दूसरी शादी करना चाहता है. इट इज ऑल वेरी एक्सपेक्टेड एंड इट्स फ्रेंकली स्पीकिंग इट वॉज अ लिटिल बोरिंग. सो इट्स टू सून टू से हाउ
there's too much happening in this dynamic and we know ki aage story bahut aage chalni hai. Ek teesra household hai Munshi sahab ka jo fought ho gaye hain. I liked Zoya Nasir's character, wo jo kehti hai na ki alvida abu, aapko pata hai ki main mujhe apne aap ka khyal rakhna aata hai. I liked that. Acha mujhe wahan pe shak pada ki ye Shabir Jan ka jo character hai, jab wo kehte hain ki I mean it could be really my weird thinking but could be true as well, कि वो शबीर जान को जब कहते हैं ना शादी, तो शबीर जान का अपनी वाइफ की तरफ तो इतना ध्यान नहीं है, तो उन्होंने एक नज़र देखा उस गर्ल को, तो ये खुद ना इंटरेस्टेड हो जाए. ये होंगे इंटरेस्टेड. अच्छा, मुझे प्रोमो से लग रहा है खुद होंगे इंटरेस्टेड. ये भी होंगे और परवेज भी होगा. परवेज इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. परवेज इज बाबर अली. आहो अच्छा, ये दोनों इन पे इंटरेस्टेड हो जाएंगे. इन पे होंगे. पहले वो अभी हम नजर आ रहा है कि वो बुशरा. विकिपीडिया में ज़िबाइश में शबीर जान इज रिटन एज बुशरा अंसारीज़ फर्स्ट हस्बैंड. ओ अच्छा, बड़ी रिसर्च मारी है आप. देख ले सर आप. बड़ी रिसर्च हाँ, मारी. तो ये तीन हाउस होल्ड हैं. मुझे आई लाइक्ड हर कैरेक्टर दोया नासिर्स एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ इट. ठीक. कोई भी बंदा अपने बाप के जनाजे पे ये कहे कि अबू मेरी फिक्र ना करना, मुझे अपना ख्याल रखना आता है. वेल डन. ठीक है. सो पहली एपिसोड मेरे लिए जब मैंने देखी तो इट वॉज टू सून टू प्रिडिक्ट के यार कि अब स्टोरी किधर जाएगी और मजे की होगी या नहीं होगी. बट मैं दूसरी तीसरी चौथी पांचवी एपिसोड देखना जरूर चाहूंगा. जैसा कि मुझे आ रही है, आपने बिल्कुल लास्ट टाइम सही कहा था कि दीवारे शब वाली मुझे आ रही है फील के हो सकता है कि ये लोग इतना ओवरवेलम कर दें विद कैरेक्टर्स एंड सिनेरियोस कि आप इंटरेस्ट अपना खो दें. हाँ. हो सकता है कि इतना अच्छी तरह निट करें कि आप कहें वाओ यू गेट इन्वॉल्वड इन एवरी कैरेक्टर. ओनली टाइम विल टेल. बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स. देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स. और ये भी दिखाया एक प्रोमो में कि जो वो लड़की है ज़ोया नासिर का कैरेक्टर, शी मैरिज असद सदीकी. अच्छा. हाँ. ओहो अच्छा, तो बड़ा कुछ अभी होने वाला. बड़ा कुछ होने वाला. लचरपना काफी होने वाला है. ठीक है. लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल थ्री ड्रामास नेक्स्ट एपिसोड्स. मजा आने वाला है. आज का हमारा वीकेंड इंटरव्यू छोटा था, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट था. बट होप आप लोगों को अच्छा लगे. अपने कमेंट जरूर हमें भेजिएगा, अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा, स्पेशली ज़िबाइश के ऊपर. आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है, जरूर शेयर कीजिएगा. इंस्टाग्राम के ऊपर प्लीज हमें फॉलो करें, शाहरुख चला दें. मुझे और आमना दोनों को फॉलो करें, वहाँ पे अक्सर काफ़ी शुगर लगाते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आए. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिरोज़ का इंटरव्यू कब आएगा. बिलीव मी, मैंने खुद भी उन्हें कर दिया है मैसेज. आमना का उनसे गहरा ताल्लुक है तो मैंने आमना को भी कह दिया कि वो भी उनसे बात करें. तो कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आएँ. मीनवाइल फिरोज़ के अलावा भी इश्किया की कास्ट में से और लोगों के साथ हम इन टच हैं. होपफुली आपको किसी एक के साथ एक इंटरव्यू देखने को इसी हफ्ते मिल जाएगा. वो कौन होगा ये हम आपको नहीं बताएंगे. इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन हिट करने पड़ेगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सांस ले ले हसन, ले ले सांस. अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह वेंसडे को विद हॉट बाइट्स, होपफुली इंशाल्लाह एट 8 PM. और मैं आपको ये कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहती हूँ कि ज़िबाइश के रिव्यू में हसन ने बहुत मुझे सेंसर किया है. मैं क्यों सेंसर करूंगा? और मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उन्होंने राइटली कहा कि अभी इसको 2-3 आप मौका एपिसोड्स दें और फिर आप अपने जो है ना फीलिंग्स करें. मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस जरूर, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया कि हम लोग शुरू की एपिसोड में जब कुछ कह देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सही होते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है तीसरे चौथे पांचवें एपिसोड के बाद समटाइम्स वी आर प्रूवन रॉन्ग. सो आई डोंट वांट अस टू बी पासिंग एनी कमेंट्स टू अर्ली इन द. एंड गाइस आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास कमेंट्स और क्रिटिक लेजेंड्स एंड सीनियर एक्टर्स, बट एज क्रिटिक्स वी विल हैव टू. On their performances, of course. There is nothing personal anyway. Okay, see you on Wednesday with Hot Bites, inshallah. Khuda hafiz.